हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, ये क्लास जो है, आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर पहला है साइंस का, क्लास 10th के बच्चों के लिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आप लोग इसको प्रॉपर वे में देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर मैंने पहले डेफिनेशन लिख दी है, फिर हम सारी चीजें आगे समझेंगे, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या समझ में आई बात है, मतलब यहां पर यह है कि आपका जो एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और एक आपका कम क्रियाशील तत्व होता है, तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। तो इसी को बोला जाता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए, मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक है, ये आपकी सीट है, आप मान लो क्लास में बैठे हैं और ये आपका, ठीक है, और आपका जो है एक फ्रेंड ये बैठा है, एक फ्रेंड ये, एक फ्रेंड ये, और मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं। अब क्या हुआ कि एक आदमी, एक लड़का जो है वो आता है, अब वो जिद करता है कि मैं यहीं पर बैठूंगा, और होता क्या है कि ये ज्यादा सक्रिय है, मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करेगा, आप कम सक्रिय हो, कम ताकतवर हो, तो ये आपको क्या कर देगा, आपकी जगह से हटा देगा, और आपकी जगह से हटाने के बाद आपकी जगह को ये ग्रहण कर लेगा। इसी तरीके से जो आपके तत्व तो होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस बात को अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आई तो जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, रिएक्शन पे, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, सबसे पहले हमें यहां देखना होता है कि जो हमारे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, कम क्रियाशील तत्व वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां पर हम तुलना करते हैं कि कौन सा तत्व ज्यादा सक्रिय है, कौन सा तत्व कम सक्रिय है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, मैंने यहां पर लिख दिया धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो यहां पर मैंने धातुओं को लिख दिया है, तो मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा सक्रिय जो होता है वो क्या होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद सोना, ठीक है, मतलब गोल्ड, जिसको ऑरम बोलते हो आप लैटिन भाषा में। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो सक्रिय है वो अपने से बाद आने वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगर मैं बोलूं सोडियम किसको किसको, सॉरी पोटेशियम किसको विस्थापित कर सकता है, तो पोटेशियम अपने बाद आने वाले सभी को विस्थापित कर देगा। मैं बोलूं सोडियम किसको विस्थापित कर सकता है, तो सोडियम कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है, मैग्नीशियम को विस्थापित करता है, मतलब अपने बाद आने वाले सभी को विस्थापित करता है। लेकिन मैं बोलूं क्या सोडियम कैल्शियम को विस्थापित कर पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं विस्थापित कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की क्रियाशीलता, ठीक है, पोटेशियम की क्रियाशीलता सोडियम से ज्यादा, देखिए ना, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। अगर मैं बोलूं कैल्शियम किसको विस्थापित करता, तो दोस्तों कैल्शियम अपने से बाद आने वाले सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कैल्शियम है वो सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा और ना ही पोटेशियम को विस्थापित कर पाएगा। उसी तरीके से किसी को भी आप ले लो, किसी को भी आप ले लो, सपोज करो यहां पर आपने जिंक को ले लिया, जिंक को अगर आप लेते हैं तो क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल विस्थापित कर सकता है। लेकिन मैं बोलूं कॉपर क्या हाइड्रोजन को या फेरस को या जिंक को या एल्युमिनियम के अपने से पहले आने वाले को क्या विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं विस्थापित कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय को क्या कर देगा, मतलब कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह को वो ग्रहण कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं क्या, विस्थापन। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए यहां पर आगे फिर देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4। अब क्या है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का है, ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है और इसका जो जलीय विलयन नीले रंग का है, और इस जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, इस विलयन में हम क्या करते हैं, जिंक की पट्टी डाल देते हैं, क्या करते हैं, जिंक की पट्टी डालते हैं, तो विलयन रंगहीन हो जाता है, मतलब क्या, जिंक की पट्टी पर लाल भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, बात को आप समझिए, यहां पर ये कॉपर सल्फेट है आपका, ठीक है, और आपका जिंक है। अब मैं बोलूं क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है,
तो हमको इसके लिए याद होना चाहिए क्या, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, वो भी घटते क्रम में, जैसे मैंने लिखा है, आप इसको पूरा याद कर लीजिए। तो हम देखेंगे यहां पर क्या जिंक पहले आता है कॉपर से, अगर जिंक कॉपर से पहले आएगा तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, अगर कॉपर पहले आएगा जिंक से तो फिर ये नहीं विस्थापित कर पाएगा। अब चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जिंक यहां पर है और कॉपर यहां पर है, इसका मतलब क्या है कि जिंक हमारा पहले आता है कॉपर से, इसका मतलब जिंक क्या करेगा कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा ZnSO4, वो थोड़ा सा छोटा बन गया, मेंटेन कर लीजिएगा ठीक है। चलिए ZnSO4 और आपका क्या हो जाएगा, आपका Cu हो जाएगा बाहर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये आपका बन गया क्या दोस्तों, ये आपका बन गया जिंक सल्फेट ठीक है, ये आपका क्या बन गया जिंक सल्फेट ठीक है, और आपका ये क्या था, ये आपका था कॉपर सल्फेट ठीक है, ये आपका क्या था कॉपर सल्फेट ठीक है, ये आपका जिंक था ही और ये आपका कॉपर क्या हो गया बाहर हो गया। अब ये वही बात हुई जो मैंने आपको यहां पर समझाया था ठीक है, यहां पर मैंने समझाया था कि जो ज्यादा ताकतवर बच्चा है कम ताकतवर बच्चे को क्या कर देगा, हटा देगा और उसकी सीट को वो ग्रहण कर लेगा, ये वही बात है यहां पर ठीक है। तो चलिए यहां पर एक अभिक्रिया और लेते हैं, यहां पर मान लीजिए आपका मैंने लिया एजी और अब फिर से मैंने लिया कॉपर सल्फेट। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि क्या एजी कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे अभिक्रियाशीलता को ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे अगर तो एजी हमारा यहां है और कॉपर हमारा यहां है, इसका मतलब कॉपर हमारा पहले आएगा, एजी आएगा बाद में, तो बिल्कुल भी विस्थापित नहीं कर पाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। मतलब क्या है कि यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी ठीक है, यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी यहां पर ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं लेता हूं, मान लो मैंने लिया सोना ठीक है, Au प्लस फिर से मैंने किया CuSO4, तो क्या कोई अभिक्रिया बनेगी, तो दोस्तों यहां भी कोई अभिक्रिया नहीं बनेगी, इस चीज को आप ध्यान दीजिए ठीक है, यहां भी कोई अभिक्रिया नहीं बनेगी। क्यों कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों, क्योंकि Au जो है कम क्रियाशील है Cu से, तो कम वाला ज्यादा को हरा, ज्यादा वाले को हरा सकता है क्या, कभी ऐसा हुआ कि तुमने देखा कि जिसकी ताकत ज्यादा हो वो हार जाए और जिसकी ताकत कम हो जीत जाए ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो वही बात है यहां पर है कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा कम क्रियाशील को हटा देगा और कम क्रियाशील कभी भी ज्यादा क्रियाशील को नहीं हटा सकता, अधिक क्रियाशील वाले को कभी भी नहीं विस्थापित कर सकता ठीक है। विस्थापित करने का मतलब क्या है, उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह को वो यार ग्रहण कर लेता है, सीधी सी बात है, कोई इंसान उसको हटाओ और उसकी जगह को तुम ले लो, वही क्या है विस्थापन, और ये जब अभिक्रिया पे लागू होता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया ठीक है। चलिए यहाँ पर एक अभिक्रिया और लेते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि जल में जब सोडियम का टुकड़ा डाला जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है, क्यों विस्थापित हो जाती है इसको समझते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर लिया मैंने जल मतलब H2O ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया जल लिया और उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं सोडियम डाल देते हैं, किसमें जल में, तो जल में हमने क्या किया सोडियम डाल दिया। अब होगा क्या भाई, देखिए ध्यान से कि जो सोडियम है क्या हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो भैया आपको पता है कि सोडियम दूसरे ही नंबर पे सबसे ज्यादा क्रियाशील था। अच्छा नहीं यकीन तो चलिए दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर पोटेशियम के बाद सोडियम है और आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है सोडियम आपका किससे भैया हाइड्रोजन से, तो आपका यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका 2NaOH और आपका H2 क्या हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर मैंने क्या किया Fe लिया ठीक है, फेरस मतलब आयरन लिया और फिर से मैंने क्या किया, मान लो मैंने लिया CaSO4 तो क्या विस्थापित करेगा, जी हाँ बिल्कुल विस्थापित करेगा। क्यों विस्थापित करेगा, क्योंकि Fe जो आता है Cu से पहले आता है, Fe जो होता है Cu से पहले आ जाता है, तो आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट, अभी तक ये क्या था कॉपर सल्फेट, अब क्या बन जाएगा फेरस सल्फेट और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से बेचारा कॉपर बाहर हो जाएगा, मतलब फेरस इसको लात मार के बाहर कर देगा, तुम चलो हटो यहाँ से, इसकी जगह पर ये ले लेता है ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठीक है, और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ठीक है, इतना काम आप कर लिया करो बस बहुत है हमारे लिए। चलिए दोस्तों फिर, सब्सक्राइब तो डेली करना नहीं होता, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब एक बार कर लिया करो।
चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।